करना है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्योंकि इंडिया को एक एरिड एरिया होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जो है क्योंकि इंडिया में डिफरेंट मानसून विंड आती है, प्रेशर कंडीशन जो है इंडिया के अलग है और जो है यहाँ पर विंड की कंडीशन अलग है, यहाँ पर मानसून विंड की वजह से, क्योंकि मानसून विंड यहाँ पर आती है इस वजह से यहाँ पर बारिश होती है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से मानसून विंड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेनन ऑफ मानसून। सबसे पहले मानसून की जो ये प्रक्रिया है इसको ऑब्जर्व करने वाले लोग वो लोग हैं जो एंशियंट समय में जो है इंडिया में ट्रेड करने आते थे, जो सेलर्स जो है इंडिया में आते थे वो जो है उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि किस तरीके से इंडिया में मानसून पड़ने या इंडिया में मानसून विंड जो है आती है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ विंड। जो है ये इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसका उन्हें बेनिफिट मिलता था कि जब पवने आती थी, क्योंकि हवा जिस दिशा से रहती है उस दिशा में सेल करना ईजी होता है, तो वो जब इंडिया में आते थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होता था और रिवर्सल के समय वो वापस जाते थे, तो कहने का मतलब है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। द अरब्स हू हैड ऑल्सो केम टू इंडिया एज ट्रेडर नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। जो अरब लोग इंडिया में एज ए ट्रेडर आते थे उन्होंने भी जो है ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो था सिस्टम जो था उसको मानसून का नाम दिया था। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो जो मानसून जो होती है, मानसून जो विंड्स होती है उसका जो सबसे ज्यादा जो असर होता है वो ट्रॉपिकल एरिया जो है नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में एक्सपीरियंस किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। मीन्स मानसून का जो किस तरीके से मानसून पवने जो है या विंड जो है वो काम करती है उसको समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the land mass of India while the sea around experiences comparatively high pressure। देखिए पहले ही बताया था कि लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है हवा जो है वो चलती है, तो इंडिया में क्योंकि जो है कूलिंग और हीटिंग लैंड और वाटर का जो कूलिंग और हीटिंग का जो प्रोसेस है वो उसमें अंतर पाया जाता है, इस वजह से जो लो प्रेशर एरिया जो है इंडिया में वो आती है बनता है, जिसकी वजह से सी की तरफ से यानी कि जो है समुद्र की तरफ से जो है हाई प्रेशर एरिया की तरफ से जो है हवाएं जो है इंडिया की तरफ आती हैं। द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन समर, गर्मियों में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ओवर द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है। ये क्या है, दिस इज द इक्विटोरियल ट्रॉफ। ट्रॉफ मीन्स होता है कि लो प्रेशर एरिया, तो ये इक्विटोरियल लो प्रेशर एरिया होता है। नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में जो पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मानसून ट्रॉफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसे मानसून सीजन में मानसून ट्रॉफ भी कहा जाता है या लो प्रेशर एरिया भी कहा जाता है। सी देखिए नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, जो मेडागास्कर के ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में हाई प्रेशर एरिया जो होता है अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में जो है हाई प्रेशर एरिया होता है। द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, और ये जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो इंडियन मानसून को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, जो गर्मी आती है तो तिब्बत का जो पठार है, जो प्लेटू रीजन है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एंड अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। जो है क्योंकि तिब्बत का जो प्लेटू है वो बहुत तेज गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वर्टिकल एयर करंट को वो क्रिएट करता है और जो प्लेटू के आसपास का जो एरिया है वहां पर और सी के 9 किलोमीटर ऊपर अबव पर जो है वो लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट करने का काम करता है।
by westerly jet stream to north of Himalaya. जो westerly जो west दिशा से आने वाली जो jet stream है हिमालय के north की तरफ आती है and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. जो गर्मियों के समय जो है इस दिशा से आने वाली जो जेट स्ट्रीम है इंडियन पेनिनसुला में होती है गर्मियों के समय, ये भी इंडियन मानसून को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस यानी इन सब के अलावा इट हैज आल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द साउदर्न ओशन आल्सो अफेक्ट द मानसून. इनके अलावा इन जो है फैक्टर्स के अलावा ये भी नोटिस किया गया है कि साउदर्न ओशन जो है उसमें जो प्रेशर कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं वो भी इंडियन मानसून को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पर जब हाई प्रेशर होता है द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर. जब पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर होता है तो इंडियन ओशियन पर जो है लो प्रेशर होता है. But in certain year there is reversal in pressure condition and Eastern Pacific has lower pressure in comparison to Indian Ocean. लेकिन पिछले कुछ साल में इसमें reversal यानी कि change देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि Pacific ocean जो है वहाँ पर low pressure है comparison to Indian Ocean. Indian Ocean में Pacific के comparison में high pressure है जबकि Pacific Ocean में लो प्रेशर देखने को मिल रहा है. ये जो पीरियोडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में इसे साउदर्न ऑस्किलेशन भी कहा जाता है. साउदर्न ऑस्किलेशन का मतलब है ये जो पीरियड चेंज होता रहता है प्रेशर कंडीशन में जो साउदर्न जो है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में लो प्रेशर और हाई प्रेशर में जो चेंजेस हो रहा है इसे साउदर्न ऑस्किलेशन भी कहा जाता है.